कर्म सबको पता है अपने अपने साहब, यूं ही तो ये गंगा में लगी भीड़ नहीं होती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज गए 10 और अभी मैं सो के उठा और आ गया हूँ बस में, क्योंकि आज मैं फिर से आ गया हूँ हरिद्वार, जो कि पिछले चक्कर में आया था तो बस हो गई थी खराब और उस दिन मैं हर की पौड़ी गंगा दर्शन नहीं कर पाया था, जो कि आज हम जाके अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। अभी मैं पार्किंग में अपनी बस में बैठा हूँ। पिछले चक्कर भी थोड़ा मन में ही रह गया था कि मैं हरिद्वार आया और गंगा दर्शन नहीं कर पाया, तो इस बार अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। बाकी अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके उसको चैनल पे देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं हरिद्वार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी हम उठे हैं। अभी जा रहे हैं हम नहाने और पता है कहाँ जा रहे हैं नहाने? नहाने जा रहे हैं गंगा घाट हर की पौड़ी। तो आगे चले हुए हैं अपने सुनील भाई, जो कि आज मेरे साथ उस्ताद हैं, और हम थोड़ी देर में गंगा के किनारे पहुंच जाएंगे। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं रह जाता हूं पीछे और आगे से भाई आवाज़ लगा रहे हैं कि चल चल जल्दी चल, फिर वापस भी आना है हमको। तो अभी चलते चलते हम पहुंच गए हैं HRTC की पार्किंग। ये है हरिद्वार में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की पार्किंग, जहां पर सारी बसें आपको पार्क की हुई मिलती हैं और मौसम थोड़ा खुश्क सा बना हुआ है, बारिश की संभावना, देखते हैं होती है कि नहीं। तो अभी हमने HRTC पार्किंग के पास से ऑटो ले लिया है और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये है हरिद्वार बस स्टैंड का गेट, यहीं साथ में ही बस स्टैंड है। और अभी थोड़ी देर में हम आगे हरिद्वार हर की पौड़ी के पास पहुंच जाएंगे। तकरीबन यहाँ से 5-7 मिनट ऑटो का रास्ता है और उसके बाद पैदल चलना होगा हरिद्वार की गलियों में। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ हरिद्वार की गलियाँ। हल्का सा ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमें 5 के लग गए 10 मिनट और अभी हम उतर के चल पड़े हैं पैदल हरिद्वार की गलियों से होते हुए गंगा मैया के दर्शन करने हर की पौड़ी की तरफ। तो ये है पैदल रास्ता, यहाँ से आगे हम सीधा जाएंगे अभी। तो अभी हमको यहाँ से लगेंगे 10-1 मिनट, क्योंकि हर की पौड़ी तक का रास्ता 10-1 मिनट तो लग ही जाते हैं पैदल। अगर आप लोग भी यहाँ पर आए होंगे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से 10-1 मिनट तो लग ही जाएंगे पहुँचने में। और देखिए गलियों में बनी हुई दुकानें, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, मिठाई सब्जी जो मर्जी जिस तरह की आप चीज़ें पसंद हो उस तरह की आप ले सकते हैं यहाँ से। और वो देखिए हरिद्वार का गेट सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से हमें अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं अभी। अभी गेट को देख के थोड़ा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले चक्कर भी मैं ऐसे आया तो ज़रूर था लेकिन गंगा दर्शन नहीं कर पाया था, जो कि मन में एक टीस सी रह गई थी कि ज़रूर आऊँगा। सो फाइनली अभी हम एंटर कर रहे हैं गेट और मेरे आगे चले हुए सुनील भाई कैनिया उठाकर, जो हमने इधर बाहर ही ले ली थी, क्योंकि वापसी में आते समय इनको भरकर घर ले जाएंगे और जिन जिन लोगों ने हमसे मंगवाई थी उनको देंगे, क्योंकि वैसे भी अगर हरिद्वार आए हैं तो गंगा जल ले जाना एक पुण्य का कार्य है और जब आए ही हैं तो कुछ पुण्य हम भी कमा लेते हैं गंगा जल घर लेकर। तो अभी ये सुन रहे हैं आप आवाज़ घंटियों की, कितना ही आनंदमय माहौल यहाँ पर बना हुआ होता है, जिसे महसूस करने के लिए हजारों लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। चलिए बात करते हैं हरिद्वार के इतिहास के बारे में। हरिद्वार का इतिहास बहुत ही पुराना और सभ्यता और संस्कृति का संगम यह स्थल है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह बहुत ही प्राचीन नगरी है और जो उत्तर भारत में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह भगवान शिव की भी भूमि और भगवान विष्णु की भी भूमि है। मायापुरी शहर को मायापुरी, गंगा द्वार और कपिलास स्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है, क्योंकि इसे भगवान का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के कोट में बसा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुंचने का द्वार है। हरिद्वार 4 प्रमुख स्थलों का प्रवेश द्वार भी है, जिसमें बद्री नारायण, केदारनाथ धाम, भगवान शिव के तीर्थ स्थान का रास्ता हरिद्वार से होकर जाता है, इसलिए इस जगह को हरिद्वार तथा हरिद्वार दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। पौराणिक समय में समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गई थी, इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला हर 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है और कुंभ के मेले का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है।
हरिद्वार को हमेशा से ही ऋषियों की तपस्या करने के स्थान के रूप में माना जाता रहा है। हर की पौड़ी के पानी को ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार अपने आप में रोचक एवं रहस्यमय भरी जगह है। इस जगह पर हर व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास ज्ञात हो जाता है। अपने पूर्वजों की जानकारी वंशावली का पता करना हो तो हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लोगों का इतिहास आप पता कर सकते हैं। पहाड़ों से निकलने के बाद गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। गंगा को जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है और गंगा मैया के नाम से बुलाया भी जाता है। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर स्वर्ग से लाया था, जो कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उनको धरती पर लाए थे, और वही परंपरा और उसी को देखते हुए आज भी हिंदू धर्म के लोग वहाँ पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन मृत्योपरांत करते हैं और जाने अनजाने में उनसे हुए पापों कष्टों का निवारण करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। बाकी गंगा मैया के किनारे लगी हुई ये भीड़ आपको बता ही रही होगी और इस बात की गवाही दे रही होगी कि क्यों यहाँ पर लोग चले आते हैं। फिलहाल मैंने हर की पौड़ी के पवित्र जल में स्नान कर लिया है और ये हैं अपने सुनील भाई और जितेंद्र भाई, ये दोनों भी नहा के ऊपर बैठ गए हैं और हमने कैनी में जल भर लिया जिसको हम घर लेके जाएंगे। यहाँ हमारे पीछे बनी हुई ये सुंदर सी कलाकृति जो कि समुद्र मंथन का दृश्य दर्शा रही है, बहुत ही सुंदर दीवार पर बनाई हुई है। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हम नहाकर गंगा मैया के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर अभी वापस जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। कैनिया हमने भर लिए हैं और हाथों में उठाकर चल पड़े हैं बस स्टैंड की तरफ। वैसे यहाँ पर आकर आपका जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्या करें, अब हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम ड्यूटी से भी बंधे हुए होते हैं और अपनी टाइमिंग का भी देखना पड़ता है। दुनिया की भीड़ भाड़ के शोर में जिस सुकून को आप तलाश कर रहे हैं वो आपको इस जगह बिल्कुल ही और निश्चित रूप में मिलेगा, और पवित्र गंगा के जल में डुबकी लगाकर आपका तन मन हल्का हो जाएगा, जिसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि गंगा के जल में एक बार नहाने के बाद आपको बिल्कुल ही हल्का महसूस होता है। और आपको जब भी समय लगे इस पवित्र स्थान पर आइए, पवित्र गंगा में डुबकी लगाइए और अपना तन मन हल्का कीजिए और दुनिया की इस भीड़ के शोर में एक शांति का अनुभव करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आइए। मैं इतना बड़ा ब्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा दिखा सकूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ कुछ अच्छा मेरे को लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे दिखाना चाहिए, तो हर प्रयास करता हूँ कि इसको आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसी के साथ मेरे हरिद्वार वाले वीडियो पूरे हुए और मैंने तो सोचा था कि क्या पता 3 इसका अभी कितने दिन बाद आएगा, ड्यूटी इधर लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन जब गंगा मैया का आदेश हो तभी आप यहां तक पहुंच पाते हैं और उन्हीं के आदेश से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। और अभी गंगा स्नान करके वापस बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूं। शाम को हम निकलेंगे सीधे शिमला। गंगा स्नान करने के बाद सीधा हमने की रेस्ट और अभी बज रहे हैं 7:30 और हम हरिद्वार से 7 के निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं शिमला के लिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये हरिद्वार वाली वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। अब मिलेंगे एक नए सफ़र में। बाकी HRTC से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। हर हर गंगे।